गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का ब्लॉग में हम लोग जिनसे मिलने के लिए जा रहे हैं वो इंडिया का फेमस फ्लूटिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर पद्म विभूषण श्री पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं फ्लूट मतलब सीख रहा हूं अभी, और मेरा जो सर है दिग्विजय सिंह चौहान सर, वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सर के डायरेक्ट स्टूडेंट है। तो कल सर का मुझे एक कॉल आया कि गुरुजी अभी भुवनेश्वर आए हुए हैं एंड उनको थोड़ा हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कशन करना चाहते हैं कि आयुर्वेदा में क्या हो सकता है। हम आज गुरुजी से मिलने के लिए जाने वाले हैं। इट्स ए चांस, मतलब आई एम वेरी लॉकी दैट आई गेट ए चांस। सो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो आज का ब्लॉग को हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं सबसे जल्दी उठा हूँ बाहर, बस सवेरा थोड़ा थोड़ा हुआ है, 5:20 के आसपास हुआ है टाइम। अभी हम लोग रेडी होंगे, फ्रेश होंगे, सब रेडी होने के बाद फिर से निकलेंगे गुरुजी से मिलने के लिए। अभी टाइम देख सकते हैं आप लोग, 5:20 ही हो रखा है। बाहर देखो भाई, ओ सवेरा भी सही से नहीं हुआ है भाई। हम लोग निकल पड़े भुवनेश्वर के लिए। फाइनली हम लोग अभी गुरुकुल के पास पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं गुरुकुल कितना सुंदर है। हम लोग जो गुरुजी से मिले तो गुरुजी का स्वागत हुआ, और ये मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की हमारा टाइमिंग पूरा ही गड़बड़ था। गुरुजी का लंच का टाइम था और हम लोगों ने उसी टाइम पे जाके डिस्टर्ब कर लिया। तो हमने गुरुजी से मिले, सर से मिले, उसके बाद थोड़ा क्लिनिक चले गए थे, उसके बाद फिर से आए और गुरुजी से डिस्कशन किया। ये मेरे सर हैं, मैं सर से ही अभी फ्लूट सीख रहा हूँ। सर आप फ्लूट के बारे में कुछ बोलेंगे? चाहता हूँ कि जितने भी यंग लोग हैं, जैसे एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिम जाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे ही फ्लूट को भी इम्पोर्टेंस दे, तो उनसे उनका म्यूजिक भी हो जाएगा, उनकी उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। सर आप परमिशन दे तो यहाँ का गुरुकुल का थोड़ा मैं देख सकती। थैंक यू सर, थैंक यू। इधर हम ऊपर है गुरुकुल में, आप देख सकते हैं। हम लोग नीचे जाके मधु भाई से मिले जो कि गुरुजी का स्टूडेंट है और वो आसाम से है, और उनका प्रैक्टिस कैसे होता है उनसे ही पूछ लेते हैं हम। मधु भाई आप थोड़ा बताएंगे कहाँ पर आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं? ये हमारा किचन है, ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे क्लासरूम है जी। ज़्यादातर हमारा क्लास यहीं पर होता है जब गुरु जी क्लास लेते हैं सुबह। अभी मैं हूँ वृंदावन गुरुकुल में और गुरु जी से अभी मिल कर आया, और आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत आई एम वेरी लॉकी दैट आई गेट ए चांस टू मीट गुरुजी। अभी हम बाइक बाइक निकालेंगे, इधर से निकलेंगे। इवनिंग होने वाला था इसीलिए हम लोग निकल पड़े घर के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।